हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड आइटम्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कहते हैं फ्लैग। फ्लैग मतलब होता है झंडा। इसे कहते हैं ट्राइकलर। ट्राइकलर मतलब होता है तिरंगा। इसे कहते हैं हॉइस्ट द फ्लैग। हॉइस्ट द फ्लैग मतलब होता है झंडा फहराना। इसे कहते हैं सैल्यूट। सैल्यूट मतलब होता है सलामी देना। इसे कहते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रगान। इसे कहते हैं स्लोगन। स्लोगन मतलब होता है नारा। इसे कहते हैं स्पीच। स्पीच मतलब होता है भाषण। इसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है समारोह। इसे कहते हैं प्ले। प्ले मतलब होता है नाटक। इसे कहते हैं फीट। फीट मतलब होता है कर्तव्य। इसे कहते हैं स्वीट्स। स्वीट्स मतलब होता है मिठाइयाँ। इसे कहते हैं कैप। कैप मतलब होता है टोपी। इसे कहते हैं रिबन। रिबन मतलब होता है रिबन। इसे कहते हैं बम्बू। बम्बू मतलब होता है बांस। इसे कहते हैं रोप। रोप मतलब होता है रस्सी। इसे कहते हैं फ्लावर। फ्लावर मतलब होता है फूल। इन्हें कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है प्रधानमंत्री। इसे कहते हैं रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब होता है लाल किला। इसे कहते हैं झंडी और इंग्लिश में कहते हैं बैनर या फिर फ्लैग। इसे कहते हैं परेड। परेड मतलब होता है जुलूस।